आरती सिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति है पंचम में दिन राला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये है मुक्ति पंक्ति ये है पंचम में दिन राला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति है पंचम में दिन राला नव ज्योति जगाने कहने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर धाम यही हर नाम यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर धाम यही जय मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। सिर भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने पवन पुनीत पहपो को मिटाने वाला दर्श कराने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पवन पुनीत पहपो को मिटाने वाला दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरणी ये सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मगमग कोल मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर गोल भव पंथी गोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंक गोल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर गोल भव पंथी गोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम बुझ गए हार सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमा भवम भवानी सहितम नमा। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु जगा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव त्वमेव सर्वम मम देव देव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तेन सीदृगम गिरधारी श्याम बनवारी मेरा राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी श्याम बनवारी
मेरे गोविंद पाके बिहारी, मैंने ले ली है शरण तुम्हारे, मेरे गोविंद पाके बिहारी, मेरे गोविंद पाके बिहारी, मेरे गोविंद पाके बिहारी, ओ मेरे गोविंद पाके बिहारी, मेरे गोविंद पाके बिहारी, मेरे गोविंद माके बिहारी, मेरा कोई न सहारा मैं तेरे गोपाल सवैया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवैया मेरे, नंद लाल सवैया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल समरिया मेरे, मेरो राधा रमण दुलारी, मेरो दारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण विरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण विरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए अवध बिहारी लाल की जय हो, श्री राधे राम श्री राधे राधे। हमारे परम श्रद्धे परम आदरणीय पटेल बाबा जी व्यासी का पूजन करके 500 रुपए भेंट दी व्यासी महाराज को, और महंत जी के सानिध्य में सभी को दक्षिणा भी दी गई। भगवान इस आश्रम को हमेशा जो है जिस दुनिया का आश्रय देने वाला है, सभी लोग यहाँ आकर के शांति प्रदान करते हैं, ऐसा आश्रम हमेशा फलता फूलता रहे और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहें, ऐसे संत और ऐसे जो है मेहनत मिलना ही मुश्किल हो जाता है। श्री मन महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वसुपत्यादिहे तुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं द
दर्शितम मैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मोक्ष मूलम गुरोर वाक्यम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, सो जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। मेरो राय बहने बालक बालिकाएं, इस पावनपुरी राम जन्मभूमि अयोध्या जी में सरयू जी के किनारे आकर के सभी भगवान का भजन कथा अमृत श्रवण पान कर रहे हैं। अदृश्य शक्तियां खोर कंदराओं से निकली हुई, जितने भी महान सिद्ध मुनि देवी देवता पधारे हुए हैं, यथा स्थान ग्रहण करें, सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्यम जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत, तं गृहीत्वा नयद भृत्यो पर्णस्यासुरो अन्तिकम्। अभिज्ञाय सूरिं बेलां प्रविष्ट मुदकं निशे, अभिज्ञाय सूरिं बेलां प्रविष्ट मुदकं निशे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित महाराज एक समय का बड़ा अद्भुत चरित्र है। एकादशी का व्रत था, एकादशी के व्रत के दिन द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा को कालिंद्या जमुना जी में स्नान करने के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले ही खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में आसुरी बेलायाम, जो आसुरी बेला होती है, ध्यान नहीं दे पाया, उसी आसुरी बेला में यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करने के लिए आसुरी बेला में जब पहुंचे, स्नान किया तो वहां पर जो है जल के देवता हैं वरुण देव, वरुण देव के जितने भी अनुचर हैं भ्रमण कर रहे थे, उन भ्रमणकारी उनके अनुचरों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक को ले गए। कुछ साथ में ग्वाल बाल थे, वापिस होके आए, कन्हैया से कही, अरे लाला तेरे बाबा को तो न जाने क्या हो गया, जमुना जी में स्नान करने गए लौट के नहीं आए। अब आजकल की भाषा में अपन कहते हैं कि मसान ने गाड़ दिया, वो मसान नहीं होता है, ये जल के भी देवता हैं, उसकी रक्षा करते हैं, कोई उनका चक्कर लग गया उसी टाइम पे आप पहुंच गए तो वो भी आपको सता सकते हैं, इसीलिए ये तो भगवान के पिता थे, भगवान ने ध्यान दिया तो वरुण लोक में बैठे हुए दिखाई दिए, सीधे पहुंचते हैं। और जब वरुण देवता का दरबार भरा हुआ था, नंद बाबा बंधे हुए बैठे थे,
बेचारे सोच रहे कि मैं क्या करूं भैया, अब क्या है, मैं तो कैसे आ गया यहां, पता ही नहीं चला। दुखी हो रहे थे, अश्रुपात, बड़े चिंता आतुर बंधे हुए बैठे थे। जैसे ही भगवान गए तो देख करके कोई ऐसे विदेश में कभी कोई अपना आदमी मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। इसी प्रकार से इतना उनको खुशी हुई कि मेरा लाला तो यहाँ आएगा भैया। अब लाला को देख करके इतनी खुशी हुई, आंखों के अश्रुपात हो रहे थे वो बंद हो गए। और ज्यादा खुशी कब हुई कि जब वरुण देव सहित सारे देवता कन्हैया को देख करके खड़े हो गए कि वाह, मेरे लाला का तो विदेश में भी बड़ा रुतबा है। ऐसे देख करके अब तो सोची कि ठीक है, भगवान ने अपने पिताजी पे निगाह भी कर ली कि बैठे हुए हैं। वरुण देव ने कही महाराज पधारिए, कि पधारूंगा। तो ऐसे ही उनके लिए बिठाला, सिंहासन दिया। कही महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, कि आगमन तो यूं हुआ कि आप अन्याय करते हो। कि महाराज बताओ कोई भूल हो गई हो तो, कि भूल का ये मेरे पिताजी आपने बांध के यहाँ बिठाला है, आपके पिताजी हैं। तुरंत जो है अपने अनुचरों को अज्ञानी तुरंत छोड़ो, मुक्त करवा दिया उनको, रजू से रस्सी से मुक्त करवा दिया। जैसे ही मुक्त करवाया कि महाराज ये मेरे पिताजी हैं तो गलती हो गई, लेकिन आपके पिताजी की गलती है महाराज, ये जितना भी इसमें नियम संयम बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, आपके ही बनाए हुए हैं। और आपके बनाए हुए नियम संयम को अगर हम नहीं पालन करेंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए प्रभु ये आसुरी बेला में पहुंचे, और आसुरी बेला में हमारे जितने भी जल की रक्षा करने वाले अनुचर हैं वो वहां भ्रमण कर रहे थे, उसी में ये पकड़ के ले आए कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो छोड़ो। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कार्य शास्त्र विधि से करना चाहिए। अगर हम शास्त्र विधि से कार्य नहीं करेंगे तो हम ही परेशान नहीं, देवता भी परेशान होते हैं, देवताओं को भी परेशान होना पड़ता है। इसलिए अब कहें कि महाराज हमने बहुत भागवत कराए, बहुत रामायण कराई, अखंड पाठ कराए, खूब सुंदरकांड किए, लेकिन आप कहिए को पट्टे, कहने का मतलब है कहिए को पट्टे राउंड जो है पेटी की पेटी खाली कर दो, कोई निशाना नहीं है, तो क्या मतलब है उसका। अगर निशाने पे आप कहीं उसका लगाओगे तो आपको फल मिलेगा। आप वैसे ही हवाई फायर कर रहे हो तो हवाई फायरों से कुछ नहीं होता है। जिंदगी में अगर जीना है और कुछ सीखना है, अगर कुछ लेना है, कुछ अपने वंशजों को, पूर्वजों को और आने वाली पीढ़ी को कुछ बनाना है, तो ये आपको नियम शास्त्रीय अपनाना है। और शास्त्रीय नियम नहीं अपनाओगे तो आपको ये समझ लो आहार निंदा भय मैथुन, आहार निंद्रा भय मैथुन, पुरुष भूषा समा सम। आहार मनुष्य भी लेता है, पुरुष भी, पुरुष भी लेता है, पशु भी लेता है। निंद्रा पशु भी लेता है, पुरुष भी लेता है। मैथुन बच्चे पैदा पुरुष भी करता है, पशु भी करता है। भय पुरुष को भी लगते हैं, पशु को भी लगती है। लेकिन एको है ज्ञानो अधिका, ज्ञानो ही ना सो पशु समाना। एक ही मनुष्य में गुण ज्यादा है कि ज्ञानी है वो, और उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो भी पशु के समान है, दुपद पशु, फिर उसे दुपद पशु कहा जाएगा। अब ये मंच से व्यासपीठ से नहीं कहना चाहिए, पर लेकिन हमारे परिचित महाराज की पत्नी है, वो कहती है कि महाराज अगर ज्ञानी पुरुष नहीं है तो वो तो पशु है, वो तो जंगली जानवर है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाह भाई वाह, इनके अंदर इतना ज्ञान है, मुझे बहुत बताती है, तो मैं बड़ा अचंभित होता हूँ कि पहली महिला मुझे ऐसी मिली है कि व्यास को उल्टा ज्ञान दे रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से हमें नियम भी पालन करना चाहिए। अगर जिस हम धर्म में रह रहे हैं उस धर्म में हमको नियम भी पालन करना चाहिए, उस धर्म के अनुसार चलना भी चाहिए, अन्यथा हमें बड़ा सुंदर इनसे ज्ञान मिलता है। अगर कोई कहे कि साहब दो हाथ आपके हैं, दो पैर आपके हैं, दो आंखें आपके हैं, दो आंखें हमारे हैं, वही शरीर आपका है वही हमारा है, वही खून आपके है वही खून हमारे हैं,
लेकिन हमारे तुम्हारे औहदे ऊंचे नीचे कैसे हो गए? तो एक पिता के विपुल कुम्हारा और पृथक पृथक गुण दो सय पारा एक पिता के एक नक्षत्र जात का एक उदर समझभूता एक नक्षत्र जात का न भवेत समासीले यथा पदर कंट का। एक ही उदर में बालक पैदा होता है, एक ही नक्षत्र में दोनों पैदा होते हैं, लेकिन एक बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे बेर की डाली में एक जैसे कांटे नहीं होते हैं, इसी प्रकार से हमारे तुम्हारे भी कर्म के अनुसार, हमारे तप के अनुसार, हमारे पुण्य के अनुसार हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान कोई प्रकट नहीं किया जाता है, ज्ञान तो वहीं से आता है। इसलिए ज्ञान कहाँ से आता है? भजन करने से। और जब तुम भजन नहीं करोगे, पुण्यदान नहीं करोगे, तो आपके अगले जन्म में शून्य होते हुए जाओगे और आखिरी पे इतने नीचे गिर जाओगे कि फिर वो ही कैसे कि चार पैर कुत्ते के हैं, चार पैर ही गाय के हैं, पर गाय पूरी जाती है, कुत्ता में डंडे दिए जाते हैं। वो ही चार पैर भैंस के हैं, गाय का दूध कितना सुंदर है, गुणकारी, और भैंस का कितना है कि उससे जो है गठिया बाय हो जाती है। ऐसे ही कई एक प्रकार के चार पैर वाले पशु हैं, लेकिन एक बराबर नहीं है। ऐसे ही हम में सभी समाहित हैं, एक बराबर के नहीं हो सकते। इसलिए एक बराबर करना है तो पुण्य अर्जित करना है, दान पुण्य तप जप, इनसे हमारा सब आगे बढ़ेगा, तो आगे जाकर के हमें अच्छा जन्म भी मिलेगा। इसीलिए अगर नहीं करोगे ना तो कब हूं योनि मिले सुकर की, और कब हूं योनि मिले कुकर की, कब हूं योनि मिले सुकर की, कब हूं योनि मिले कुकर की, पियत गड़न को पानी अजहू छे प्राणी। जय हो। अजहू चे तिरे तू प्राणी, अजहू चे तिरे तू प्राणी, अजहू कबहू योनि मिले सुकर की, कर की पियत गड़न को पानी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णस्त यौवनम दृष्ट्वा निशि चंद्रमा शोभनम सारदोच निसारंभ्याम मन चक्रे रतिम प्रते। शरद ऋतु की उस चांदनी रात की सुंदरता को देख करके भगवान आनंद में अपने मन को ऐसे मोर नचता है जैसे नचाने लगे। परीक्षित महाराज ने कही कितनी महाराज शरद ऋतुएं निकल गई, कितने चंद्रमा निकल गए, भगवान के कितने रास हुए, कि पांच रास हुए हैं भगवान के। जब तक भगवान ने रहे हैं वृंदावन में पांच रास रचाए हैं। एक दिन ये विशेष था, चार रास पीछे हो चुके, एक विशेष दिन था। अब उस दिन का तो कहना ही क्या है, जिसमें सभी देवता देवियां एकत्रित तो हुई हों उसको कहती है महारास। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में।
पुलक प्रकट करती है धरती हर तरणों की नोटों से। मानो झूम रहे हैं तरुणी मंद पवन के जोरों से, मानो झूम रहे हैं तरुणी मंद पवन के जोरों से। चार चंद्र की चंचल किरणें ऐसी खेल रही हैं जलथल में, महाराज आनंद आ रहे हैं। उसी जगह पे जो है मेरे प्रभु ने बंसी बजाई रास के लिए, ये महारास हो रहा है। महारास के लिए रंसी बंसी बजाई, और अपनी सबसे प्यारी राधा जी को बुलाया। क्या सुंदर मधुरी आवाज में निकाल रहे हैं कि रास में चल राधा प्यारी बाट तके ब्रज की, ब्रज राधा प्यारी बाट तके ब्रज की ब्रज नारी। रास में प्यारी बाट तक ब्रज की ब्रज नारी। आई सब ललिता सखी प्यारी रास में चल राधे प्यारी। चल राधे प्यारी तक ब्रज की ब्रज नारी। आई ललिता सखी अति प्यारी रास में चल राधे प्यारी। रास में राधे आप आ जाओ, ललिता इत्यादि सखियाएं पधार चुकी हैं, आप कहाँ देर कर रही हो। भगवान की ऐसी मुरली को सुन करके कार्तिकी पूर्णमायां तु कृतम् मे रास मंडलम गोपीनाम शतकम कृत्वा गोपानाम शतकम तथा। नाना प्रकार के भेष बना बना करके इतने जो है, और तो क्या कहें आपको, स्वयं जो है पार्वती मैया अपना सुंदर शाम के टाइम पर रूप बनाया। अब जैसे सुंदर रूप सज रही हैं आनंद से, भगवान के गुणानुवाद में खोई हुई है कि मैं जाऊंगी ऐसे रास रचा जाएगा ऐसे देखूंगी, और उसी टाइम पे राम नाम सुब सुमिरन लागे मानो उमा जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे मानो उमा जगत पति जागे। जैसे ही राम राम स्मरण किया तो पार्वती मैया उमा जी ने समझा कि मेरे पति देव जागरण हो गया है समाधि से, अब मैं तैयार हूँ। तो पहले जब जाऊं रास देखने के लिए, पहले मैं अपने पति की सेवा कर लूं। ये पतिव्रताओं का धर्म होता है। फल फूल जल लेकर के जैसे ही पहुंचती हैं, और भोले बाबा ने उमा की तरफ देखा तो उमा बड़ा सोलह श्रृंगार किए हुए। भोले बाबा ने कही देवी आज श्रृंगार तुम्हें पता था कि मेरी समाधि छूट रही है कि नहीं प्रभु, आपके लिए नहीं किया कि तो बताओ किसके लिए किया। शाम के टाइम पे पत्नी सजती है, सतवंती नारी सजती है, सुहागिनी सजती है, तो अपने पति के लिए सजती है। मैं तो समाधि में था, आप किसके लिए सज रही हो, ऐसा सुंदर रूप किसके लिए बनाया है। महाराज आप जलपान करो तो मैं आपको बताऊंगी। जलपान कराया, फलों का फलाहार कराया, फिर पूछने लगे, बार बार पूछ रहे हैं
बार बार कहे शिव भोला से सुन लो प्यारी ना, आधी रात पे कैसो करो ऐसे बार बार कहे शिव भोला से सुन लो प्यारी ना, आधी रात पे कैसो करो ऐसे दुनिया पाए पुजनिया पहर लई दुनिया पहर लई दुनिया पाम पुजनिया पहर लई नाकन दुनिया पाए पुजनिया पहर लई पामन में तो तुमने लिए सुंदर बिछुआ आधी रात पे कैसो करो ऐसे शिव भोला से सुन ले प्यारी ना, आधी रात पे कैसो करो ऐसो करो सिंगार। आधी रात पे सिंगार आपने क्यों किया है देवी? कहने लगी कि प्रभु भगवान की रासलीला होती है, उस रासलीला का जिनका आप रात दिना स्मरण करते हैं, उनका आप ध्यान करते हैं, उन्हीं आपके प्रभु की रासलीला होती है। उसमें नाना प्रकार की गोपियां और जो है कई एक देवांगनाएं आती हैं, उसी में मैं जा रहा हूं। भोले बाबा कहने लगे कि प्रभु की रासलीला होती है क्या? तो कहते हैं कि मैं भी चलूंगा। उन्होंने कहा महाराज आप नहीं जा पाओगे। क्यों? मैं इसलिए नहीं आपको ले जाऊंगी कि वहां पे मात्र जो है जाते हैं तो पुरुष नहीं जाते, केवल महिलाएं जाती हैं। पुरुष तो अकेले भगवान श्री कृष्ण ही है। तो भोले बाबा कहने लगे मुझे भी आप गोपी बना दो। अच्छा, ऐसा पति पहले हैं भोले बाबा के जो पत्नी से रूठते हैं? नहीं तो पत्नियां पति से रूठती हैं, लेकिन भोले बाबा अपनी पत्नी से उमा जी से रूठ रहे हैं कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी जो है आप गोपी बना दो। अब वो अपना सिर पकड़ने लगी, हाय राम तुम्हें गोपी बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, तुम्हारा कितना तो ऊंचा कद है, आपके लिए न तो साड़ी आएगी न लहंगा आएगा ना आप पे चुन्नी आएगी, और जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं ये कैसे सिपरेंगी, ये तो अपने आप दिखाई देंगे। महाराज वहां आप नहीं जा पाओगे। अरे मेरे भोले स्वामी कोई पुरुष ना जाए रास में महारास में। अरे मेरे भोले स्वामी, अरे भोला जी, तभी उनका नाम भोला पड़ा है। अरे भोला जी इसलिए है कोई पुरुष नहीं जाता उसमें, तो केवल अकेले पुरुष भगवान श्री कृष्ण, आप नहीं जाओगे। कहने लगे गौरी अगर आप मुझे नहीं लेके गई तो मैं आपसे रूठ जाऊंगा, हमारी तुम्हारी कभी नहीं बनेगी, तो मैं तुम्हें कैसे सजाऊं बताओ, तुम्हारे ये चंद्रमा कहाँ जाएगा, तुम्हारी ये गंगा जी कहाँ रखी जाएगी, ये जितने तुम्हारे आभूषण पहने हुए उनके सूदे इनका क्या होगा, इनका क्या करोगे। भगवान कहने लगे हम लोग तो यहाँ कल भरत भैया ने उठा करके नृत्य करवा दिया, अन्यथा अपन शर्मते हैं और वैसे डीजे बजे तो उलते हैं, भगवान के सामने नृत्य करोगे तो उनकी जो है नजर में आओगे, तो वैसे करोगे तो आप उतर जाओगे,
भगवान के सामने नृत्य करोगे तो भगवान की नजर में आओगे, और वैसे नृत्य करोगे तो भगवान की नजर से उतर जाओगे। अपने श्याम मिलन के काज आज मैं तो गोपी बनी, अपने श्याम मिलन के काज आज मैं तो गोपी बनी, अपने श्याम मिलन के आज मैं तो गोपी बनी गोपी बन जाऊंगी, आज मैं तो गोलन बन जाऊंगी, अपने श्याम मिलन के काज आज मैं तो बालन बन जाऊंगी, गोपी बन जाऊंगी आज मैं तो गोपी बन जाऊंगी, अपने श्याम मिलन के आज मैं गोपी बन जाऊंगी, लहंगा पहनू चोली पहनू, लहंगा पहनू चोली पहनू, चुनरी ओढ़ूंगी मैं तो चुनरी ओढ़ूंगी, ब्यूटी पार्लर जाए के मैं तो पालर जाए के मैं तो गोरी बन जाऊंगी, अपने श्याम काज आज मैं तो गोरी बन जाऊंगी, अपने श्याम काज आज मैं तो गोरी बन जाऊंगी, ओ गोरी बन जाऊंगी आज मैं तो गोरी बन जाऊंगी, अपने श्याम मिलन के काज आज मैं तो गोपी बन जाऊंगी, गोरी बन जाऊंगी आज मैं तो गोपी बन जाऊंगी, अपने श्याम मिलन के काज आज मैं तो गोपी बन जाऊंगी, हाँ डमरू छोड़ू त्रसुल छोड़ू सर्प उतारूंगी, डमरू छोड़ू त्रसुल छोड़ू सर्प उतारूंगी, जाए हिमालय गंगे छोड़ू भस्म रमाऊंगी, अपने श्याम मिलन के काज आज मैं तो गोपी बन जाऊंगी, अपने श्याम मिलन के काज आज मैं तो गोपी बन जाऊंगी, ओ गोपी बन जाऊंगी आज मैं तो गोपी बन जाऊंगी, अपने श्याम मिलन के काज आज मैं तो गोपी बन जाऊंगी, गोपी बन जाऊंगी आज मैं तो गोपी बन जाऊंगी, अपने श्याम मिलन पाए पेजनिया कट कर धनिया, पाए पेजनिया कट कर धनिया, चूड़ी पहनूंगी चूड़ी पहनूंगी, कानन कुंडल नाकन तुनिया अधर रचाऊंगी, अपने श्याम मिलन के काज आज मैं तो गोपी बन जाऊंगी, अपने श्याम मिलन के काज आज मैं तो गोपी बन जाऊंगी, ओ गोपी बन जाऊंगी आज मैं तो ग्वालन बन जाऊंगी, अपने श्याम मिलन के काज आज मैं तो गोपी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम के मिलने की खातर तुम्हें मोहन के सेवा ना कोई दूजा पुरुष जाए, रास में भाई हाय रास में हंसी करेगी सब ब्रज नारी,
मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की रानी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की रानी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। वृंदावन में पहुंच गए और जैसे ही श्याम सुंदर कन्हैया आते हैं, सभी गोपियों पर निगाह डालते हैं। जैसे ही नजर घुमाई तो भोले बाबा की मूर्ति उनकी समझ में आई। देखने लगे, इशारा करने लगे, ये घूंघट वाली कौन है? सभी से पूछने लगे कौन है, सब कहने लगे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। इशारा किया कौन है, हमें नहीं पता। पार्वती मैया कोई पूछे कौन है, हमें नहीं पता। मैया ने भी मना कर दी, आप जानो आपका काम जाने। लेकिन भोले बाबा को देख करके श्याम सुंदर कन्हैया तो नटवर नागर कन्हैया और नटरों के नट शंकर हुआ। अब नटों के नट की और नटवर नागर की दोनों की जोड़ी मिल रही है। अब दोनों क्या करते हैं, जैसे ही कन्हैया खड़े हुए, उनकी टेढ़ी चितवन, टेढ़ी चाल, टेढ़ा बैठना, टेढ़ा सब कुछ है, देख करके कहने लगे, बंसी को घुमा करके, ये सब घुंघटा खोले, ये सब घुंघटा खोले, ये क्यों घुंघटा डाले, ये क्यों घुंघटा डाले, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, ये सब घुंघटा डाले, बोले ये सब घुंघटा खोले, ये सब घुंघटा डाले, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, ये सब घुंघटा खोले, ये क्यों घुंघटा डाले, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। कोई ना कोई बात है, मामला गड़बड़ है, कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। ऐसी बजाई बंसी सुधी बोध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बोध भूले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। से सर की जब वो साड़ी निकली, जटा करारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन देखा। मोहन ने तो समझ गए सारी बात को, सारी बात को। देखा
समझ गए सारी बात को, हाय हाय बात को। ऐसी बजाई बंसी सो देवो दे भोली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बोध भूले भोले नाथ को, भोले नाथ को। सरस में सर की जब वो साड़ी निकली, जटा करारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जैसे ही बंसी इतनी मधुर बजाई और कन्हैया की बांसुरी में जादू है, बंसी तेरी जादू भरी, कन्हैया मेरे जिगर से उतरी। ऐसी बंसी जादू भरी है, वो ही बंसू भोले बाबा ऐसा नृत्य किया, उनकी जटा निकली कन्हैया में फंस गई, चारों लिपट गए। और जैसे ही लिपटे तो दोनों प्रेमी से प्रेमी मिले, आनंद आ गया। उसी दिन से महाराज भोले बाबा को गोपेश्वर कहा जाने लगा। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। अब तो भोले बाबा तो ये हो गया, जब तक ग्वालनी थोड़ा आगे निकलते हैं, इधर से ये चले जाते हैं पार्वती मैया और भोले बाबा, ललिता विशाखा इत्यादि सखियों के साथ में, राधा के साथ में, और भगवान बीस राज से गायब हो जाते हैं। राधे और कन्हैया दोनों चले जाते हैं, सभी सखियाएं ढूंढ रही हैं, कहाँ गए श्याम सुंदर, कहाँ गए श्याम सुंदर। तब तक कहीं दूर पे जा करके ये चांदनी में बैठ करके कहने लगे, देखो राधे मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। राधे कहने लगी, हाँ सो तो है, तो देखो मैं सभी सखियों को छोड़ करके तुम्हारे साथ आ गया, कि हाँ वो तो ठीक है ना, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ। हाँ ख्याल तो रखती हो। बोलो जब तब कई एक बार तुम बरसाने गए हो ना, एक बार को तुम्हें पता है क्या, मोर बन के गए थे तुम, बातचीत आपस में कर रहे हो, आप मोर बन के गए थे ना, तो मैंने भी आपकी कितनी इज्जत रखी, बाबा तो तुम्हें बनवा रहे थे। एक बार तुम लीला हरी बन के गए, उस दिन भी मैंने तुम्हें बचवा दिया। अब एक बार तुम वेद बन के गए, तब भी मैंने तुम्हें बचवा दिया। कितनी बार नहीं बचवाए, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ वो नहीं जानते हो। हाँ राधे तुम्हारा तो मैं एहसान नहीं भूलूंगा। अब ऐसे कही के एहसान नहीं भूलूंगा तो राधे जी को थोड़ा अहंकार हो गया। तो ठीक है राधे एक काम करो ना, क्या है, चलो अब चलते हैं। देखो कन्हैया मैं इतने दिनों से रास में इतना नृत्य करती हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई। क्या बात हो गई? अरे तुम्हें पता नहीं है, इतनी दूर से दौड़ दौड़ते आई हो ना, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, अब मैं नहीं चल पाऊंगी। तो फिर क्या होगा? सखियों की आवाज आने लगी पीछे से, सखियां आ रही हैं। क्या नहीं मैं नहीं चल पाऊंगी? अरे चलो राधे, सखियां आ गई पीछे से, सभी गोपी आ रही हैं। कि मैं नहीं चल पाऊंगी, क्यों? कि चलत चलत में तो हारी रे कनिया ले ले काना, आए आए रे कनिया ले ले काना। चलत चलत में तो हारी रे कनिया ले ले काना, आए आए रे कनिया ले ले काना, आए आए रे कनिया ले ले काना। चलत चलत में तो हारी रे कनिया ले ले काना, आए आए रे कनिया ले ले काना। रास रचो है जब से भारी, रास रचो है जब से भारी, घुंघरू बांधे पायन प्यारी, घुंघरू बांधे पायन प्यारी, छम छम नाची पे जनिया कनिया, कोने ले कनिया, जन बाजे पे जनिया कनिया, कोने ले चलत चलत में तो हारी रे काना।
अच्छा कन्या ले लूं मैं आपको, तो राधे एक काम करो, कन्या तो नहीं आओगी, आप थोड़े से ऊंचे पे हो जाओ, और जैसे ऊंचे पे होगी ना तो मेरे कंधे पे आ जाना। जैसे थोड़े ऊंचे पे राधा हुई और कंधा किया और राधे ने अपना पैर डाला, कन्हैया गायब, धड़ाम नीचे गिरी। अभी तो पैर में दर्द नहीं हो रहा था, अब होने लगा, रोने लगे। तब तक जितनी भी गोपियां हैं आ गई, क्यों राधे कहां गए कन्हैया के, मुझे भी छोड़ के चले गए, मेरे साथ में दगा दे के चले गए। दगा दे करके मुझे चले गए और यहाँ छोड़ के चले गए, अब क्या कहा जाए। तब तो सभी गोपियां एकत्रित होकर के स्वयं ही एक कृष्ण बनी और सब ग्वालिनी बनी, सभी अपना रास रचाने लगी। तब कन्हैया को पता चला कि ये तो मेरा अनुसरण कर रही हैं, तो लौट करके आए, सभी से मिले। उसी दिन से रास इतना बढ़िया सुंदर रचा, उसी रात्रि को पूर्णमासी को रास देख करके, ये लीलाएं देख करके चंद्रमा से भी अमृत टपकने लगा। इसीलिए कहते हैं शरद पूर्णिमा को चंद्रमा से अमृत टपकता है, अपन खीर बना के रखते हैं, उसी को लोग पान करते हैं। ऐसे ही चल के धीरे धीरे अब शरद पूर्णिमा व्यतीत होने के बाद में फिर तो फागुन मास आता है। आयो फागुन मास सखी सब हिल मिल खेले होरी, आयो फागुन मास सखी हिल मिल खेले होरी, आयो फागुन मास। फागुन मास आ गया, सभी सखियां होली खेल रही हैं। इधर जो है होली की, ब्रज में एक महीना होली होती है। एक नई बहू आई और जो है सासू तो समझ लो कैसी होती हैं। सासू नाम उसका होता है जो बहू को सांस नहीं लेंदे, जो बहू को सांस नहीं लेंदे उसी को सास कहती है। कही के देखो तुमको बहुत दिन हो गए, अब तो तुम पुरानी हो गई, और जमुना जी से जल भर के लाया करो, मटकी ले जाओ। बिचारी ग्वालिनी नई आई थी, कन्हैया के शब्दों को सुनते रहती थी कि कन्हैया सभी ग्वालियों को परेशान करते हैं, और श्याम सुंदर कन्हैया से वो डरने लगी। अपनी जो है सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ अभी तो होरी का बहुत बड़ा झंझट चल रहा है, और इसमें वो तुम्हें पता है तुम्हारे गांव का वो काना है ना, सभी ग्वालियों को परेशान करता है, मुझे भी करेगा, मैं कैसे जाऊंगी। अब देखो सासुएं भी बहू को इसी तरीका से ज्यादा ताड़ना देती हैं, कैसे जाऊंगी, जाने में कोई दिक्कत है, हाँ मैं कैसे जाऊंगी। सासू पनिया कैसे जाऊं रसी ले दो, सासू पनिया कैसे जाऊं ले दो नैना, कटी ले दो सिर पे धरो गगरिया, सिर पे धरो गगरिया और ओढ़ो एक चदरिया, बहु सिर पे धरो गगरिया ओढ़ो तुम एक चदरिया, बहुवर सटक सटक चली जाओ रसी दे दो नैना, सासू पनिया कैसे रसी ले दो नैना, कटी ले दो नैना, सासू पनिया कैसे जाऊं रसी ले दो नैना, सासू पनिया कैसे जाऊं रसी ले दो। बहु ओढ़ो चटक चनरिया, चटक चुनरिया
संग ले लियो छोटी नंदिया बउड़ो चटक चुंदरिया संग ले लियो छोटी नंदिया बहुवर सटक सटक चली जा रसी ले दो मैना सासू पनिया कैसे जा रसी ले दो मैना रसी ले दो मैना कड़ी ले दो मैना सासू पनिया कैसे जाऊं रसी ले दो मैना छोटी अगर आपको भय लग रहा है डर लग रहा है छोटी नंदिया को साथ में ले जाओ और बढ़िया अपना घूंघट कर लो और घूंघट करने के बाद में सटक सटक चली जाओ बूढ़ी नहीं हो खूब जवान हो चलने वाली हो इस तरीके से कहा जाओ पानी भर के लाओ जल भर के लाओ जमुना जी से अब तो भय खाने लगी ठीक है अब नंदी से भी कही कि चलो तुम नंदी ने मुंह ऐंठ के कहा चली जाओ ना मैं नहीं रहूंगी तो फिर कौन जाएगा अब तो बड़ी समस्या बिचारी अकेली पहली बार जा रही है अब भय लग रहा है कि कहीं मिल गए मुझे ग्वाल वाल और कन्हैया तो मेरी क्या हालियत होगी यहीं से डरते डरते बिचारी अकेली जा रही है जैसे ही जमुना जी पर पहुंची और उसने गगरी जमुना जी में डुबोई और उठाते हैं जैसे ही कन्हैया को देखते हैं तो पानी पानी होते हाय राम जी तो आगे खड़े हो गए बिने कही कन्हैया जिन नैये है ग्वालनी पहली बार आई है और होली का मौका है देख लो अब वो बेचारी हाथ जोड़ करके कहने लगी काना आज मुझे निकल जाने दो मेरी सासू बड़ी खतरनाक है मैंने अपनी नंदी से कही वो भी नहीं आई लेकिन आज मैं तुम्हारे पैर छू रही हूँ तुम्हारे चरना लागू कैसे भी करो मुझे आज मत करो कन्हैया ने कही ठीक है तुमसे हम बोलेंगे नहीं लेकिन ये कंकड़िया है ना ये बिल्कुल तुम्हारी गगरी में लगेगी कहने लगी नहीं गगड़ी मत फोरो अगर गगड़ी फोरती ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी क्या दिक्कत हो जाएगी काना गागरिया मत फोरे घरे मेरी सास लड़ेगी गागरिया मत फोर करे मेरी सास लड़ेगी ओ सास लड़ेगी रे करे मेरी नंद लड़ेगी खाना का करिया मत हो करे मेरी सास लड़ेगी सास लड़ेगी रे करे मेरी सास लड़ेगी रे जो कहूँ सुने मटुकिया फूटी लाख कहेगी 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 रे कान्हा गागरिया मत फोरे घरे मेरी सास लड़ेगी रे कान्हा गागरिया मत फोरे घरे मेरी सास लड़ेगी रे सास लड़ेगी रे घरे मेरी सास लड़ेगी रे कान्हा गागरिया मत फोरे घरे मेरी सास सास बड़ी मेरी जन्म की खोटी तीनों समय पवावे रोटी सास ननद मेरी जन्म की खोटी तीनों समय पवावे रोटी सास बड़ी मेरी जन्म की खोटी तीनों समय पवावे रोटी सास बड़ी मेरी जन्म की खोटी तीनों समय पवावे रोटी जो कहूँ सुने मट टुकिया फूटी लाख धरेगी रे काना गागरिया मत फोरे घरे मेरी सास लड़ेगी रे सास लड़ेगी रे घरे मेरी सास लड़ेगी रे काना गागरिया मत फोरे घरे मेरी सास लड़ेगी जितनी मेरी
मेरी चुगलती डोले, कितनी मेरी चुगलती डोले, चार की आठ आठ की सोले, चार की आठ आठ की सोले, ननंद बली चर चंद खसम के कान भरे गिरे लड़ेगी रे करे मेरी सास लड़ेगी रे काना का गरिया मति को करे मेरी सास लड़ेगी रे। लेकिन कन्हैया का मानने वाले थे, मटकी को तोड़ा, उसको भी कीच से भिगोया, पानी से भिगोया, जाकर के जो है ग्वालनी बिगर पानी के बिगर मटकी के घर पहुंची। जैसे ही देखा तो सभी ग्वालनी तैयार हो करके, अब तो महाराज पहुंचती हैं, यशोदा मैया से शिकायत करती हैं, देखो मेरी बहू आज नई आई थी और नई गई है जल भरने के लिए, तेरे कन्हैया ने क्या हालियत कर दी है, अब बोलो हम क्या करें। मैया इतने ओरहाने सुन सुन करके परेशान हो गई, इन्हें कही बहन अब आने दो इसको, जब मैं देखती हूँ मैं क्या करूँ, इससे मैं भी परेशान हो गई, अब तो आप कैसे भी करो गलती माफ करो, लेकिन अब बाबा को आ जाने दो और बाबा के द्वारा इसको मैं डटवाऊंगी। अब सभी ग्वालियों ने एकत्रित होकर के कही के सुनो, ये तो ऐसे सबको परेशान करता है कन्हैया, होली के बहाने से इसको ऐसा पीटो ऐसा मारो कि जाको पूरो जोर निकालो, जितना भी जोर है सब निकाल दो। सभी ने अपनी अपनी छत्तन पे बैठ करके बताते हैं, पद्माकर ऋषि कहते हैं के उधम ऐसो मचो ब्रज में सबके सर रंग उमंग निसीजे, और जो पद्माकर अच्छा जिन छातिन बैठ के छातिन के सर पीस, ओदे पिचकारी भजी पियकों पीछे से गोपाल गुलाल उली चैन, तो ये कई संग वहां रपटे सखी, ए कई संग वहां रपटे सखी, वो भय ऊपर में भई नीचे, अरे ऊपर नीचे में सखी, ओ है गयो भारी द्वंद, ऊपर नीचे में सखी है गयो भारी द्वंद, ओ भाई समय पे खोए गयो मेरो, बाई समय पे खोए गयो मेरो बाजू बंद, अरे मेरो खोए गयो बाजू बंद, मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी बाजू बंद मेरे बड़े मोल को, तोपे
बन बाहू पूरे तो लगो तोपे बन बाहू पूरे तो लगो ओ केसर अर है नंद रसिया होरी में मेरो गयो बाजू बन रसिया होरी में सास लड़ेगी मुझे ननद लड़ेगी 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 कसम की सिर पे मार पड़ेगी ओ कसम के सिर पे मार पड़ेगी है जाए गौरस भंग रसिया होरी में मेरा कोई गयो बाजू बन रसिया होरी में यो कोई गयो बाजू बन रसिया होरी में होरी में काना होरी में अरे होरी में काना होरी में मेरा कोई गयो मेरा कोई गयो मेरा कोई गयो बाजू बन दम लाला तेने बहुत मचायो दम लाला तेने बहुत मचायो लाज शरम जाने कहाँ धरे आयो लाज शरम जाने कहाँ धरे आयो मैं तो आई गई मैं तो आई गई मैं तो आई गई तो से तंग रसिया होरी में मेरा कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी इस प्रकार से होरी का ऐसा भाग रचाया कि महाराज सभी रंग में सर्वोर हो गए। लेकिन इधर तो उत्सव मन रहा है, उधर मथुरा में दुख हो रहा है। कंस अपनी पूरी मंत्री मंडली को बुलाता है, कहता है कि भैया ये नंद का लाल मेरा काल है, जितने भी मैंने दैत्यों को भेजा एक भी वापस नहीं आया, कोई खबर नहीं करी, इसका कोई इंतजाम सोचें। जैसे ही इंतजाम सोचने की बात करते हैं, तो एक और अजगर टाइप का दैत्य था, उसने नंद बाबा को पकड़ लिया। परीक्षित महाराज कहने लगे, महाराज कहाँ पे पकड़ लिया? कह एकदा देव यात्रायाम गोपाला जल कौतुका आनो भिरंड युक्ते प्रयस्तुते अंबिका वनम। एक बार नंद बाबा गोप इत्यादि ग्वाल वालों के साथ में शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता से कौतूहल करते हुए आनंद मगन होकर के और बैलों से जुतु ही गाड़ी को अंबिका वन में लेकर के जाते हैं। वहां अंबिका वन में सभी सरस्वती नदी के किनारे स्नान किया करते हैं। सर्वांतर्यामी पशुपते भगवान भूतेश्वर शंकर जी, भगवान शंकर जी का आनंद पूर्वक जो है उनका पूजन करते हैं।
और उसी रात्रि को वहीं पे भगवान का जागरण करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। मेले भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, के नाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के साथ में है नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ में है नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ में है नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ में है नंदी। नंदी को देख के व्यापारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कमर मृग छाला, मेरे भोले बाबा कमर मृग छाला, मेरे भोले बाबा के कमर मृग छाला, मेरे भोले बाबा के कमर मृग छाला। मृग छाला को देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा के गले सर्फ माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्फ माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्फ माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्फ माला। सर्फों को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा। इस प्रकार से बड़े सुंदर भजन कीर्तन हुए, रात्रि जागरण हुआ, और उसी जागरण में नंद बाबा को एक अगासुर अजगर आ गया। उसने मैंने लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे, सबरिया तेरे।